साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाए जाने वाली कुछ चीज़ों की मशीन्स के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि इन चीज़ों को फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैंडीज मेकर। दोस्तों, कैंडी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई अपने बचपन में ज़रूर खाता है। आपने भी अपने बचपन में ज़रूर खाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कैंडीज फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? दोस्तों, कैंडीज कई साइज़ की आती हैं और कई कलर में भी, लेकिन हर कैंडी में एक चीज़ कॉमन होती है और वो है इसकी स्वीटनेस। कैंडी मेकर कैंडीज बनाने के लिए सबसे पहले पानी, चीनी और कॉर्न सिरप के मिक्सचर को अच्छी तरह से पकाते हैं। सिरप पक जाने के बाद वर्कर्स उसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट सरफेस पे डाल देते हैं और जब तक मिक्सचर ठंडा होता है, वर्कर्स स्टार्च और एक फ्लेवर का मिक्सचर तैयार करते हैं। अब इस मिक्सचर और ठंडे हुए मिक्सचर को और वाटर को मिक्स करके एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां मशीन इस मिक्सचर को आपस में अच्छी तरीके से मिलाने का काम करती है। मिक्स होने के बाद कैंडी का कलर काफ़ी ब्राइट हो जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को दूसरी मशीन में डाल दिया जाता है और वो मशीन मिक्सचर को गर्म करके कैंडी बनाने के शेप में ले आती है। इसी तरीके से बाकी और फ्लेवर के मिक्सचर को तैयार किया जाता है और उसके बाद वर्कर्स अलग अलग फ्लेवर की कैंडी के मिक्सचर को अपने हिसाब से अपने हाथों से बेलते हैं और पतली पतली कैंडी स्टिक बना लेते हैं। और जब ये ठंडी हो जाती है तो बाकी वर्कर्स कैंडी की शेप जल्दी जल्दी काट देते हैं और फिर ये कैंडीज पैक होने के लिए चली जाती हैं। आइसक्रीम मेकर्स। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, आइसक्रीम के दीवाने हर वक्त उसे बड़े शौक से खाते हैं। आइसक्रीम के मामले में सबकी अलग अलग फ्लेवर्स की पसंद होती है। कुछ लोगों को चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद आती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आइसक्रीम के हर फ्लेवर को खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क और बाकी सामग्री जैसे कि शुगर और फ्लेवर को एक कंटेनर में डालकर उसका मिक्सचर तैयार किया जाता है। उसके बाद उस मिक्सचर के जमने से कुछ ही देर पहले के तापमान में उसे मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें से आइसक्रीम स्टिक के साथ उसमें फिक्स किए गए शेप के अनुसार बाहर की ओर निकलती रहती है और तभी एक रोबोटिक कटर आइसक्रीम को तेजी से काटता रहता है। ये आइसक्रीम बहुत ही ठंडे प्लेटफॉर्म पर गिरती है, जिससे कि आइसक्रीम बिल्कुल पिघले नहीं। इसके बाद आगे की ओर लगी मशीन इन आइसक्रीम को पिघली हुई चॉकलेट में डिप करती जाती है और उसे कुछ समय के लिए फ्रीजर में ले जाती है, जहां वो आइसक्रीम अच्छी तरह से जम जाती है। आइसक्रीम के जम जाने के बाद उसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मैगी मेकिंग मशीन। दोस्तों, इंडिया का सबसे फेमस फास्ट फूड कोई और नहीं बल्कि मैगी ही है और सबकी फेवरेट भी मैगी है। हर किसी को पसंद भी होती है क्योंकि ये टेस्ट में भी बहुत बढ़िया होती है और साथ ही साथ इसको बनाना काफ़ी आसान होता है और इसको बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। मैगी बनाने के लिए सबसे पहले भारत में उगाए गए ताज़ा गेहूँ फैक्ट्री में पहुँचाए जाते हैं और फिर फैक्ट्री में इस गेहूँ का आटा गुना जाता है। आटा पूरी तरीके से तैयार हो जाने के बाद ये मशीन शीट के रूप में रोल कर देती है और फिर मशीन में लगे कटर इस पूरी शीट के कई हिस्से करते जाते हैं और उसके बाद आगे की मशीन उसे नूडल्स का शेप दे देती है। फिर उसके बाद उसे स्टीम दी जाती है और दोस्तों, उन्हें ठंडा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म में डाल दिया जाता है। ठंडे होने के बाद नूडल्स को तेल में 80% पकाया जाता है और फिर एक्स्ट्रा तेल निकाल कर कुछ देर बाद नूडल्स को पैक कर दिया जाता है। पैक होने के बाद इसे दुनिया के सभी शहर में पहुंचा दिया जाता है और लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। दोस्तों, आपको मैगी कैसी लगती है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंच फ्राइज मेकिंग मशीन। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मैकडॉनल्ड्स का सबसे फेमस फास्ट फूड है फ्रेंच फ्राइज और इसीलिए लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये फ्रेंच फ्राइज है किस चीज़ की और इसे बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, मैकडी के फ्राइज बनाने की शुरुआत होती है आलू से, जिन्हें उगाया जाता है खेतों में। सबसे पहले ताज़े आलू को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है, वहां इसको मशीन के अंदर डालकर इसकी धुलाई की जाती है। दोस्तों, मशीन आलू को धुलने के बाद इन आलू की छटाई करती है कि कौन सा आलू सही है और कौन सा ख़राब। फिर ये मशीन आलू को अंदर लगे कंटेनर में डाल देती है और वहाँ लगे महीन कटर इस आलू को छिलने का काम शुरू कर देते हैं और फिर मशीन इन आलू को आगे लगे पाइप में भेजती है, जहाँ पानी काफ़ी तेज़ी से बह रहा होता है। वहाँ इन आलू की फिर से अच्छे से धुलाई की जाती है और इस पाइप में कटर भी लगा होता है, जिसकी मदद से आलू फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट जाते हैं। कट जाने के बाद इन आलूओं को
थोड़ा ये मशीन सुखाती है और फिर आगे लगे तेल से भरे कंटेनर में डालकर इन आलू को फ्राई कर लिया जाता है। लेकिन फ्राइज को पूरी तरीके से नहीं पकाते हैं क्योंकि ये एक बार मैकडी में जाने के बाद फिर से फ्राई होती है। अब इन आलुओं को ये मशीन खुद निकालकर आगे की ओर एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए भेज देती है। जब ये फ्राइज अच्छे से ड्राई हो जाते हैं फिर इनकी पैकिंग की जाती है और फिर दुनिया भर के मैकडॉनल्ड्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस मशीन की मदद से बने फ्रेंच फ्राइज काफ़ी हाइजीनिक भी होते हैं। दोस्तों अब आपको पता लग ही गया है कि आखिरकार मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज कितनी टेस्टी की होती है और आपने फ्रेंच फ्राइज खाई है कि नहीं, ये हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैम मेकिंग मशीन। दोस्तों जैम तो अलग अलग फ्रूट या मिक्स फ्रूट का बनता है, लेकिन जो जैम दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जैम। इस जैम को बनाने के लिए सबसे पहले फार्म से फ्रेश स्ट्रॉबेरी फैक्ट्रीज में लाई जाती है। उसके बाद इन स्ट्रॉबेरी को मशीन में लगे कंटेनर में अच्छे से धोया जाता है जिससे ऊपर के सभी जर्म्स और गंदगी हट जाती है। जैम को बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। जैम को बनाने के लिए नींबू का रस भी ऐड किया जाता है और ये रस फैक्ट्री के वर्कर्स खुद अपने हाथों से निकालते हैं। फिर इन सभी चीज़ों को वर्कर्स एक बड़े से बाउल में डाल देते हैं। इस मिक्सचर को तब तक पकाया जाता है जब तक शुगर की वजह से स्ट्रॉबेरी गाढ़ी नहीं हो जाती है। जब ये गाढ़ी हो जाती है तब इसे ठंडा करके एक जार में भरना शुरू कर दिया जाता है और इसे पैक करके सभी जगह पर भेज दिया जाता है। जूस मेकिंग मशीन। दोस्तों जब आप मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो आपको कई सारी जूस की बॉटल्स दिखती होगी, पर आपने कभी सोचा है कि आखिर इन फलों में से जूस को कैसे निकाला जाता है? दोस्तों सबसे पहले तो इन फलों में से जूस निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलों को फैक्ट्री तक लाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन द्वारा ख़राब फलों को अच्छे फलों से अलग किया जाता है। बाद में अच्छे फलों को गर्म पानी से इस मशीन की मदद से धोया जाता है ताकि उन पर कोई कीटाणु ना रहे। बाद में इसे बड़ी मशीन में क्रश करने के लिए डाल दिया जाता है। यहाँ पर लेवल 1 का पेस्ट निकलता है। बाद में इसे फिर से लेवल 2 के ग्राइंडर में डाल दिया जाता है जहाँ सारा जूस इन फलों से निकल आता है। बाद में इस जूस को मशीन में लगे फिल्टर से फिल्टर किया जाता है। फ्लेवर के हिसाब से इसमें चीनी और कलर को डाला जाता है। फिर जूस में बाद में केमिकल टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि टेस्ट में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों फिर ये मशीन बॉटल में जूस को पैक करती जाती हैं और फिर वर्कर्स इन्हें डब्बे में पैक करके दुनिया भर के शहरों में पहुँचा देते हैं जो दुकानों से सीधा आपके घर में पहुँचते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी कुछ कमाल की मशीन जिसकी मदद से आपकी फेवरेट चीज़ों को आसानी से बनाया जाता है। दोस्तों इन शानदार मशीन के लिए एक लाइक तो बनता है और आपको इसमें से कौन सी मशीन सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दे गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।